ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव, सॉन्ग राइटर और डीजे लील एंड टाइलर वेन के बारे में, जो कि प्रोफेशनली जाने जाते हैं अपने स्टेज नेम मेट्रो बूमिंग या फिर यंग मेट्रो या फिर सिर्फ मेट्रो के नाम से। और उनका जन्म 16 सितंबर 1993 में यूएस के मिसूरी के सेंट लुइस में हुआ था। और उनके अलावा उनके 4 भाई बहन भी थे। और अगर मैं आपसे बात करूं उनके एजुकेशन की, तो उन्होंने पार्कवे नॉर्थ हाई स्कूल में एडमिशन लिया था और कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल के ही म्यूजिक बैंड में भी भाग लिया, जिसमें वो गिटार बजाया करते थे। और जब वो 7th ग्रेड में आए तो उन्होंने खुद की बीट्स बनाना भी शुरू कर दिया था। और ये तब हुआ जब उनकी माँ ने उनके लिए एक नया लैपटॉप खरीदा था और उसमें उन्होंने एक म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर फ्रूटी लूप्स यानी कि एफएल स्टूडियो भी इंस्टॉल किया, जिसके मदद से ही वो बीट्स बनाया करते थे। हाई स्कूल के दौरान वो रोज की 5 बीट्स बनाया करते थे और धीरे धीरे म्यूजिक उनके लिए पैशन बनने लगा था। और इस समय तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो रैपिंग करना चाहते हैं और इसी वजह से वो बीट्स भी बनाया करते थे। और कुछ समय बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस हिप हॉप प्रोडक्शन में लगा दिया। और हाई स्कूल खत्म होते होते उन्होंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर का काफी अच्छा यूज किया बाकी रैप आर्टिस्ट से नेटवर्क बनाने के लिए। और वो सोशल मीडिया के यूज अपनी बीट सबमिशन के लिए भी किया करते थे, जिससे उनको और भी अपॉर्चुनिटीज मिली। और 2010 तक उन्होंने कई सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग्स की अटलांटा हिप हॉप और कई ट्रैप आर्टिस्ट जैसे कि फ्यूचर, 21 सेवेज, गुची माने और मीगोस। और इसी वजह से 2017 में फोर्ब्स ने भी उन्हें इजीली वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड हिट मेकर्स इन द वर्ल्ड का खिताब दिया, जबकि एक डेली इंटरनेट पब्लिकेशन स्टीरियोगम ने भी उन्हें वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल विविड इम्पोर्टेंट वॉइसेस इन द रैप राइट नाउ का खिताब दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं उनके प्रोडक्शन करियर में उनके सक्सेस की, तो वो उन्हें आई लव मैकोनन की 2014 के हिट ट्यूजडे और ड्रेक और फ्यूचर के 2015 के सिंगर जंपमैन से मिली थी, जिसके बाद लोग उन्हें पहचानने लगे थे। और तब से अब तक उनके दर्जनों गाने टॉप 20 हिट्स में आ चुके हैं, जिसमें मीगोस का बैड एंड बोजी भी शामिल है, फ्यूचर का मास्क ऑफ, 21 सेवेज का बैंक अकाउंट, पोस्ट मैलोन का कॉन्ग्रेचुलेशन गाना और कोडक ब्लैक का टनल विजन। इसके अलावा उन्होंने कई आर्टिस्ट के साथ अपनी फुल लेंथ कोलैबोरेशन भी रिलीज की थी। 2016 में उन्होंने 21 सेवेज के साथ सेवेज बोर्ड नाम की कोलैबोरेशन रिलीज की थी। 2017 में उन्होंने बिग शॉन के साथ डबल और नथिंग में, और 2017 में उन्होंने गुची माने के साथ ड्रॉप टॉप वॉप नाम की कमर्शियल मिक्स टेप रिलीज की थी। और अगर मैं आपसे बात करूं उनके सोलो करियर की, तो उन्होंने अपनी पहली सोलो एल्बम नवंबर 2018 में नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स नाम से रिलीज की थी, जो कि बिलबोर्ड 200 के चार्ट पे नंबर 1 रैंक पे रही थी। और उनकी बीट्स पे ही बना हुआ एक गाना कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि पोस्ट मैलोन द्वारा परफॉर्म किया गया था, जिसमें क्वाबो भी थे, वो उनका पहला डायमंड सर्टिफाइड सॉन्ग बना यानी कि 10x प्लेटिनम। और इस गाने को 2019 में ही सर्टिफिकेशन दिया गया था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।